हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल को पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करके उसके स्क्रीन को मिरर शेयर कैसे करें, आज का हमारा वीडियो इसी पर रिलेटेड है। हम एक छोटे सी ऐप की मदद से इसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वंडर शेयर मिरर गो इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना होगा। आप अपने ब्राउज़र में यहाँ पे वंडर शेयर मिरर गो इसको टाइप करके आप सर्च कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में पाला मिल जाएगा। आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ से आप ट्राई वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद USB डाटा केबल की मदद से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपने मोबाइल में सेटिंग, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन। अगर आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन अनेबल नहीं है तो इसको मैं आपको एक वीडियो बना के यहाँ पे दे दूँगा, आप उसे देख लीजिए। आप डेवलपर ऑप्शन को ओपन कीजिए। एक मैसेज डिस्प्ले होगा, आप उसे यस कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे डबिंग USB डबिंग मोड है, यहाँ पे ये ऑफ है, इसको आपको ऑन कर लेना है। फिर एक मैसेज आएगा, आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। उसके बाद वंडर शेयर मिरर गो को आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए कनेक्टिंग होना शुरू हो गया है। देखिए हमारा मोबाइल पूरी तरह से स्क्रीन मिरर हो गया है। यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप इसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन अनेबल है, तो इसका मैं वीडियो बना के लास्ट में आपको दिखा दूँगा। यहाँ से आप गैलरी, यहाँ पे मेरा गैलरी पासवर्ड प्रोटेक्ट है। आप यहाँ से अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड्रॉयड रिकॉर्डर, यहाँ पे एंड्रॉयड रिकॉर्डर है। यहाँ से फुल स्क्रीन, अगर कुछ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका यहाँ पे लिस्ट शो करेगा। ये स्क्रीनशॉट है, ये हॉट की है। यहाँ से सेटिंग, कैमरा को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। हाँ ये काम तो कर रहा है। इसे बंद करते हैं। यहाँ पे फुल स्क्रीन ठीक है। यहाँ से आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह वंडर शेयर मिरर गो इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन का मिरर शेयर कर सकते हैं। आपको मैं डेवलपर ऑप्शन कैसे अनेबल होगा आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी वो ओपन है। आपको अबाउट फ़ोन, यहाँ पे मेरे मोबाइल में बेल्ट नंबर है। अगर आपके मोबाइल में बेल्ट नंबर नहीं है तो यहाँ पे सिस्टम नंबर होगा, या जहाँ भी हो उसे आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे
तीन बार टैप करना है। देखिए यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ये ऑलरेडी ओपन है। इस तरह आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन अनेबल होने के बाद जब आप इसे कनेक्ट करना हो तो आप इसे ओपन कीजिएगा और यहाँ पे यूएसबी डबिंग मोड, यूएसबी डबिंग आप उसे ऑफ है उसे ऑन कीजिएगा। उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा आपके सिस्टम से।